नमस्कार, स्वागत है आपका पार्ट प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें तो आज शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक दिन बाकी है तो शीतकालीन में लगेगा नेताओं का जमावड़ा। धर्मशाला पहुंचेंगे पक्ष और विपक्ष के नेता, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तपोवन विधानसभा परिसर में बुलाई सर्वदलीय बैठक, तो सत्र से पहले सहमति बनाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। एक साल के रिपोर्ट कार्ड पर विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में, सरकार भी जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष बात करेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आज शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। बता दें विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक दिन बाकी है और उससे पहले सर्वदलीय बैठक। शीतकालीन में लगेगा नेताओं का जमावड़ा। धर्मशाला पहुंचेंगे पक्ष और विपक्ष के नेता। सौरभ अठवाल संवाददाता धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है आज? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा जिस तरह से कल से जो है विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू होने वाला है, वहीं आज जो है कहीं ना कहीं जो पक्ष और विपक्ष दोनों दलों की कहीं ना कहीं बैठक होने वाली है और इस बैठक में विपक्षी रणनीति बनाएगा कि किस तरह से सरकार को जो है घेरा जा सके और वहीं सरकार जो है ये रणनीति बनाएगी कि किस तरह से विपक्ष के जो सवाल आने वाले हैं उनका जवाब देंगे। जी जाहिर तौर पर सौरभ, हालांकि इस बार शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार रहने के आसार यहां पर बने हुए हैं क्योंकि एक तरफ विपक्ष एक साल में किस तरीके सरकार द्वारा जो काम विफल यहां पर रहे हैं उसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। देखिए अंजलि, इस विधानसभा सत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष जो है लेकर जो है सदन में जाएगा और कहीं ना कहीं जो हंगामा है वो करने की जो तैयारी है वो विपक्ष की ओर से की जाएगी। जिस तरह से विपक्ष की लगातार कहता आ रहा है कि कांग्रेस का एक साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक जो है पूरी जो गारंटियां जो चुनावों के दौरान कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ जो वादे किए थे, जो गारंटियां दी थी वो कहीं ना कहीं अभी तक पूरी नहीं की गई है। वहीं अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार भी जो विपक्ष के मुद्दों को जो जवाब है उनके सवाल है उनके जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस सरकार का ये कहना है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो अभी पिछले साल जो आपदा आई थी, जिस तरह से कई लोग जो बेघर हो चुके थे तो जो केंद्र सरकार से जो पैसा आना था वो पैसा अभी तक कांग्रेस सरकार के पास है, जो प्रदेश सरकार है उसके पास नहीं आ पाया है। तो कई ऐसे सारे मुद्दे हैं जो हंगामेदार रहने वाले और पूरा सदन जो है इस बार जो अंजलि कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट जो चढ़ने वाला है। जी अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ अठवाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक यहां पर बुलाई गई है। शीतकालीन में मुद्दे काफी रहेंगे। धर्मशाला पहुंचे पक्ष और विपक्ष के नेता। बता दें आपको तपोवन विधानसभा परिसर में यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सत्र से पहले सहमति बनाने की कोशिश यहां पर की गई है की जाएगी और एक साल के रिपोर्ट कार्ड पर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरेगा। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार यादविंद्र अघुमा जयसिंहपुर पहुंचे जहां पर उनके स्वागत में लोगों का जनसैलाब सड़कों पर उमड़ गया। साथ ही आतिशबाजी ढोल नगाड़ों के साथ यादविंद्र अघुमा का स्वागत यहां पर किया गया। वहीं उनके स्वागत कार्यक्रम में मंत्री के पिता पूर्व विधायक मिल्खीराम घुमा और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान यादविंद्र घुमा ने कहा कि प्रदेश सरकार सीएम सुखू के गतिशील नेतृत्व में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के भीतर जयसिंहपुर हल्के में पिछली सरकार में रुके विकास को तेज किया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह बीते कल नालागढ़ के दौरे पर रहे। साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने नालागढ़ के राम शहर में तहसील भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। इसके बाद इंडोर स्टेडियम किरपालपुर और साथ ही भरतगढ़ मार्ग पर क्षतिग्रस्त दबोटा पुल का निरीक्षण किया। पुराना छात्र विद्यालय में 8वीं नालागढ़ वार्षिक खेल प्रतियोगिता के सम्मान समारोह में उपस्थित भी रहे।
उधर एनआईटी हमीरपुर में दरअसल चल रहे चार दिवसीय राज्य स्तरीय चिल्ड्रन साइंस प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने शिरकत की। साथ ही राजेश धर्माणी का कार्यक्रम से पहले सर्किट हाउस में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। बच्चों के अंदर थोड़ा साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने को लेकर कुछ बच्चों में फियर रहता है और इसको दूर करने के लिए जब यंग माइंड्स हैं उसी टाइम साइंस के प्रति थोड़ी बच्चों में रुचि पैदा हो, ये 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का गठन किया और हर साल इस तरह के साइंस फेयर हर जिले के लेवल पर हों, स्टेट के लेवल पर हों और नेशनल लेवल पर हों, इसीलिए इस ताकि बच्चों का झुकाव जो है वो साइंस पढ़ने की तरफ हो और बच्चे जब साइंस पढ़ेंगे वो तर्कशील होते हैं, उनमें लॉजिक ढूंढते हैं कि कोई भी चीज़ घट रही है और क्यों घट रही है, अंधविश्वास से लड़ने का मौका मिलता है और सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपना सलूशन ढूंढते हुए देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। आज उधर हिमाचल में लाखों किसानों और बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने भारी बारिश, ओलावृष्टि और तापमान में गिरावट के कारण होने वाली फसलों के नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे को दुगना कर दिया है और इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों में संशोधन किया गया है जिससे कि बागवानों को अब सेब का नुकसान होने पर बीमा का मुआवजा 1500 रूपये प्रति पौधा दिया जाएगा। पहले यह राशि 800 रूपये प्रति पौधा थी। वहीं आपको बता दें बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना भी सभी तरह के फलों के अलावा अब तीन अन्य फलों जैसे कि लीची, अमरूद और अनार को भी जोड़ा गया है। यानी इन ब्लॉकों में सभी जगह पर जो है ये बीमा योजना जो है लागू है और सभी जगह पर जो है वेदर बेस्ड है और वेदर के मॉनिटरिंग के लिए पूरे इनके मॉनिटर्स लगे हुए हैं। तो जो पैरामीटर्स मैंने इससे पहले आपके ध्यान में लाया है अगर उनमें कहीं भी कोई किसी किस्म की कमी होगी तो हमारे ये जो रडार लगे हुए हैं ये उसमें हो जाता है कि चिलिंग पीरियड कम आया है या तापमान कम आया है जरूर और यहाँ बारिश कम हुई है या बारिश ज़्यादा हुई है या ओले पड़े हैं तो उस बेस से ये मिलता है। तो इसमें जो है बागवानों से मेरा आपके माध्यम से ये उनसे अनुरोध करना है कि ये बहुत बढ़िया फसल बीमा योजना है, इसका आप जो है रजिस्ट्रेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं ताकि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मौसम जो है पूरे हिमाचल में ही क्या पूरे दुनिया में मौसम में जो है अब परिवर्तन हो रहा है। तो आपने अगर अपने फसल को अगर उसका जो है उत्पाद को अगर कोई नुकसान का अंदेशा होता है मौसम के परिवर्तन से तो इस बीमा योजना के द्वारा आप अपना बीमा इन अगर जो प्लांट्स है एप्पल है चाहे दूसरे सिट्रस फ्रूट्स है चाहे अमरूद है इसका करके आप अपना जो है कुछ परसेंट अपना जो है आमदनी को बचा सकते हैं। तो इस उधर शिमला से स्केटिंग के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। आइस स्केटिंग रिंग का सोमवार स्केटिंग का लुत्फ उठा पाएंगे। बता दें आपको कि आइस स्केटिंग रिंग के प्रबंधन ने दरअसल ट्रायल किया गया और मैदान पर अच्छी बर्फ की परत जम गई है और ट्रायल बिल्कुल सफल रहा है। इसके बाद स्केटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि इस बार मौसम की बेरुखी के चलते स्केटिंग शुरू होने में देरी हो गई जबकि 10 दिसंबर तक स्केटिंग शुरू हो जाती थी। आज सुबह आइस की कंडीशन ठीक थी तो हमने आज सुबह ट्रायल कंडक्ट किया है और वो सक्सेसफुल रहा है और कल से हम रेगुलर सेशंस शुरू कर देंगे। तो अभी सिर्फ सुबह की स्केटिंग शुरू हुई है जो सुबह 8 से 10 बजे तक रहेगी और स्केट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी टाइम पे रहेगा। तो जो मेंबर्स हैं हमारे तब आ सकते हैं और स्केट्स भी ले सकते हैं और स्केटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। उधर आपको बता दें कि पौंचा नगर परिषद में दरअसल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में पौंचा नगर परिषद ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत पौंचा साहिब में ईडीपी ट्रेनिंग का शुभारंभ किया गया जिसमें कि नगर परिषद पौंटा साहिब में 33 महिलाओं का एक बैच शुरू किया गया। इसमें स्वयं सहायता समूह में एरिया लेवल के फेडरेशन के सदस्यों को प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी गई।
टीपी कम कैपेसिटी प्रोग्राम का कार्यक्रम है जो कि इनको 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनको जूट बैग बनाने से लेकर सरकार द्वारा जो चलाई जा रही स्कीमें हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और ये ट्रेनिंग जो है क्या नाम है एनुअलम के अंतर्गत कराई जा रही है। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण करने के बाद ये अपना खुद का भी एक स्वरोजगार का साधन का बन जाएगा और ये अपना व्यवसाय कर सकती हैं, इसको आर्थिक जो है सहयोग मिलेगा इनकी दिनचर्या। कैसे बनाए जाएंगे जी ये मशीनों के द्वारा? यहाँ पे हाथ से ये लोग बनाएंगे, हमारे यहाँ ऑफिस में हमने इनका लैब बनाया हुआ है और लैब में ये लोग ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर ये लोग अपने घर पे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही बना के इसको सेल कर सकते हैं, इंडस्ट्री को कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, इवन ये मार्केट में ओपन मार्केट में ही बेच सकते हैं। सर कितनी मशीनें हैं, कितनी महिलाएं हैं छोटा बताएं? महिलाएं यहाँ 30 हैं, मशीनें हमारे पास अभी 6 हैं, तो 6 मशीनें मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ चलेगा, दो दो महिलाएं एक मशीन पर काम करेंगी और कुछ महिलाएं थ्योरी देखेंगी। बढ़ेंगे आगे उधर नैना देवी शक्तिपीठ के नगर परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के बाद नई कमेटी का गठन किया गया जिसमें कि 6 वार्ड पार्षदों की सर्वसम्मति से दिशा शर्मा को प्रधान बनाया गया और भारत गौतम को उप प्रधान का दायित्व सौंपा गया। तो वहीं उन्होंने इस शुभ अवसर पर सभी नवनियुक्त पार्षदों के साथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की। चलिए रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार यादवेंद्र गुमा अजय सिंहपुर पहुंचे जहां उनके स्वागत में लोगों का जनसैलाब सड़कों पर उमड़ गया। साथ ही आतिशबाजी ढोल नगाड़ों के साथ यादवेंद्र गुमा का स्वागत किया गया। वहीं उनके स्वागत कार्यक्रम में मंत्री के पिता पूर्व विधायक का मिल्की राम गोमा और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान यादवेंद्र गोमा ने कहा कि प्रदेश सरकार सीएम सुक्खू के गतिशील नेतृत्व में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के भीतर जयसिंहपुर हल्के में पिछले सरकार में रुके विकास को तेज किया गया। धन्यवाद करता हूं और प्रदेश का मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है कैबिनेट में जो है वो अपना स्थान दिया है और जयसिंहपुर को एक मंत्री पद दिया है, उसके लिए आप सभी लोग जो है बधाई के पात्र हैं। आप सबको मैं बधाई देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना मुझसे संभव हो सकेगा मैं अपनी ओर से प्रयासरत रहूंगा कि आप सब लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप जो है मैं काम कर सकूं। आप सभी का यहां आने पर और इस स्वागत समारोह में इकट्ठा होने पर आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह बीते कल नालागढ़ के दौरे पर रहे। साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने नालागढ़ के रामशहर में तहसील भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इसके बाद इंडोर स्टेडियम, किरपालपुर और साथ ही भरतगढ़ मार्ग पर क्षतिग्रस्त धबोटा पुल का निरीक्षण किया। पुराना छात्र विद्यालय में दरअसल 8वीं नालागढ़ वार्षिक खेल प्रतियोगिता के सम्मान समारोह में उपस्थित रहे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं।